अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में चीन की 28 संस्थाओं को सोमवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री बिल्बर रॉस ने इस फैसले की घोषणा की। इससे ये संस्थाएं अब अमेरिकी सामान नहीं खरीद पाएंगी। रॉस ने कहा कि अमेरिका चीन के भीतर जाते अल्पसंख्यकों के क्रूर दमन को बर्दाश्त नहीं करता है और ना ही करेगा। अमेरिकी फेडरल रजिस्टर ने अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार ब्लैकलिस्ट में डाली कई संस्थाओं में वीडियो निगरानी कंपनी हिकविजन, कृत्रिम मेधा कंपनियां मेगी टेक्नोलॉजी और सेंस टाइम शामिल हैं। विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला संस्थाओं को मानव अधिकार उल्लंघन, सामुदायिक जेल में डालना एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक के ऊपर निगरानी आदि के कारण लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले का संबंध इस हफ्ते शुरू होने वाली चीन के साथ व्यावसायिक वार्तालाप से नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के पिछले हफ्ते वेटिकन में कहा था कि जब राज्य पूरी तरह से शासन करता है तो वह अपने नागरिकों से ईश्वर की नहीं बल्कि सरकार की पूजा करने को कहता है। यही कारण है कि चीन ने 1 मिलियन से अधिक उइगुर मुसलमानों को नजरबंद शिविरों में रखा है और ईसाई पदारियों को जेल में डाल दिया है। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने 5 चीनी कंपनियों से हुवाईवे और हिकविजन सहित दूरसंचार उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अंतरिम नियम भी जारी किया था। हुवाईवे ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि वह चीनी सरकार सैन्य या खुफिया एजेंसी द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसने अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।